हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर्किट चैनल। एंड गाइस, फाइनली सेल का सीजन यहां पर फिर से स्टार्ट हो चुका है। फ्लिपकार्ट पे जो रिपब्लिक डे सेल या आप बोल सकते हो बिग सेविंग डे सेल, उसकी भी डेट आ चुकी है। 14 जनवरी से यहां पर ये स्टार्ट होने वाला है, लेकिन फ्लिपकार्ट ने अर्ली सेल अपना यहां पर स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारी स्मार्टफोन डील्स यहां पर रिवील कर दिया है, उसमें से मैंने आप लोग के लिए 10 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन डील पिक करा हूं, जो कि 14 जनवरी का वेट करने की जरूरत नहीं है, अभी के अभी आप यहां पर परचेस कर पाओगे। तो कौन कौन सी बेस्ट स्मार्टफोन डील है, सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं, अपने ऑनेस्ट ओपिनियन भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, यहां पर जो फ्लिपकार्ट का रिपब्लिक डे सेल या बोल सकते हो फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल है, इसकी ऑफिशियल सेल डेट फ्लिपकार्ट ने रिवील कर दी है। 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में यहां पर ये सेल चलने वाला है। एंड अगर आप फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर हो तो 14 तारीख रात 12 बजे से आप लोग को सारी डील्स ग्रैब करने का मौका मिलेगा। बैंक ऑफर की बात करें, सिटी बैंक एज वेल एज आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड एज वेल एज डेबिट कार्ड पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। 1000 रुपए का मैक्स डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एंड प्रीपेड का भी आपको अलग से डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। अब ये सेल तो आपको 14 तारीख से देखने को मिलेगा, लेकिन फ्लिपकार्ट जैसे कि दिवाली सेल या आप बोल सकते हो बीबीडी सेल के टाइम पे करता है कि कुछ दिन पहले से आपको जो सारी डील्स ग्रैब करने का मौका देता है, वैसे यहां पर जो अर्ली सेल यहां पर सेल प्राइस लाइव नाउ यहां पर हो चुका है। तो उसमें से मैंने आप लोग के लिए 10 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन डील पिक करा हूं, जो कि अभी के अभी आप जाके फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। यहां पर बैंक ऑफर की बात करें तो सेम बैंक ऑफर है, सिटी बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक को, चाहे आपके पास में क्रेडिट कार्ड हो डेबिट कार्ड हो, 1000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको को मिलेगा। चलिए मैं 10 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन डील के बारे में आप लोग को बता देता हूं। गाइस, सबसे पहली स्मार्टफोन डील की अगर हम बात करें, आपको देखने को मिलती है नथिंग फोन 1 पे तगड़ा ऑफर देखने को मिल रहा है। 898 वाला वेरिएंट इंडिया में 34,000 रुपीज में लॉन्च हुआ था, लेकिन आज की डेट में सारे ऑफर लगा के आप ले तो आपको पड़ेगा ये 25,000 रुपीज में। अनबीटेबल टाइप की डील है, डेफिनेटली ग्रैब करना तो बनता है। ग्लिफ इंटरफेस, 120Hz का AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 778G प्लस की बढ़िया परफॉर्मेंस, कैमरास वगैरह भी काफी तगड़े, OIS के साथ में क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। 25,000 रुपए का बजट है, एक यूनिक सा तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन परचेस करना है, नथिंग फोन 1 की तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील है यहाँ पर गूगल पिक्सल 6a पे। जी हाँ, ऐसे तो ये 40,000 रुपए के ऊपर लॉन्च हुआ था, लेकिन आज की डेट में सारे ऑफर लगा के अगर आप लेते हो आपको पड़ेगा 28,000 रुपीज में। ये सभी को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, स्पेशली उन लोग को रेकमेंड करूंगा भाई जो बोलते हैं ना 30,000 रुपीज के अंदर सबसे बेस्ट कैमरा एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, ब्रांड वैल्यू चाहिए, उन लोग को मैं रेकमेंड करूंगा। प्रोसेसर ठीक ठाक देखने को मिलता है, डिस्प्ले AMOLED है लेकिन रिफ्रेश रेट आपको कम मिलता है, बैटरी लाइफ भी ठीक ठाक है, फास्ट चार्जिंग भी देखने को नहीं मिलती है। कैमरा UI एंड आप बोल सकते हो जो आपका ब्रांड वैल्यू अगर आपको चाहिए एंड 28,000 रुपीज के आसपास का बजट है, डेफिनेटली इसकी तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें, आप में से बहुत सारे लोग बहुत टाइम से ही डील का वेट कर रहे थे, मुझे बहुत सारे कमेंट आते थे भाई रियलमी 9 Pro Plus 5G पे ऑफर कब आएगा, फाइनली आ चुका है। 698 वाला वेरिएंट ऐसे तो 25,000 रुपीज में लॉन्च हुआ था, लेकिन आज की डेट में सारे ऑफर लगा के आप लेते हो अराउंड आपको पड़ेगा 20,500 रुपए में। एंड फॉर डेड प्राइस पॉइंट मैं बोलूंगा जल्द से जल्द अगर आपको ये स्मार्टफोन पसंद है तो डील को ग्रैब कर देना, कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, कभी भी प्राइस पॉइंट बढ़ सकता है, क्योंकि यहां पर आपको ग्लास बैक, 90Hz का एक सुपर AMOLED वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, डायमेंसिटी 920 की बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेकिन सबसे बड़ा हाइलाइटिंग फीचर है जो कि इसका कैमरा OIS है, सोनी IMX766 एट अराउंड 20,000 रुपीज, एब्सोल्युटली क्रेजी डील है। बैटरी लाइफ डिसेंट मिल जाती है, 60W की चार्जिंग है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, 3.5 हेडफोन जैक, सारी चीजें देखने को मिलती है। तो अगर आप रियलमी 9 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के ऑफर का वेट कर रहे थे, 20,000 रुपए के आसपास का बजट है, बेस्ट कैमरे वाला स्मार्टफोन परचेस करना है, डेफिनेटली डील को आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें तो ये डील का भी हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, फ्लैगशिप किलर टाइप की डील है, पोको F4 5G, 698 पे ऑफर नहीं है, 898 पे यहां पर तगड़ा वाला ऑफर है। ऐसे तो अराउंड 30,000 रुपीज के आसपास कुछ लॉन्च हुआ था, लेकिन आज की डेट में सारे ऑफर लगा के आप लोगे आपको पड़ेगा ये 23,000 रुपीज में। अनबीटेबल फ्लैगशिप किलर टाइप की डील है, जस्ट ग्रैब इट। ग्लास बैक, बॉक्सी टाइप का डिजाइन मिल जाता है, 120Hz का AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 820 की बढ़िया परफॉर्मेंस, कैमरास वगैरह भी काफी बढ़िया है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से OIS वगैरह देखने को मिलता है, MIUI पे यहां पर ये रन करता है, सेंसर्स वगैरह में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बैटरी लाइफ डिसेंट है, 67W का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है। तो 22,000-23,000 रुपए का बजट है, फ्लैगशिप किलर चाहिए, एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, डेफिनेटली इसकी तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन बजट में काफी तगड़ा 5G स्मार्टफोन है पोको की तरफ से, पोको M4 Pro 5G। ऐसे तो जो 464 वाला वेरिएंट है इसका 15,000 रुपए में लॉन्च हुआ था, लेकिन आज की डेट में ऑफर में आप ले पाओगे 11,250 रुपए में। एंड फॉर डेट प्राइस पॉइंट अमेजिंग 5G स्मार्टफोन है,
डिजाइन बढ़िया है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एक डिस्प्ले मिल जाता है, डायमेंसिटी 810 5G की बढ़िया परफॉर्मेंस है, कैमरा वगैरह प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी सही है, डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट, 3.5 हर्ट्ज फंजक का सपोर्ट, 5000 एमएच बैटरी, 33 वॉट की चार्जिंग, तो 11000 रुपए के आसपास का बजट है, एक तगड़ा ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन चाहिए, डेफिनेटली इसकी तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील अगेन बजट में काफी तगड़ा 5G स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग लवर लुक के लिए डील है, सैमसंग F23 5G। ऐसे तो ये स्मार्टफोन को 17-18 हज़ार रुपए में लॉन्च हुआ था 498 वाला वेरिएंट, लेकिन आज की डेट में सारे ऑफर लगा के अगर आप लेते हो ये आपको पड़ेगा 12,500 रुपए में, एंड फॉर डेट प्राइस पॉइंट सबसे बेस्ट सैमसंग का 5G स्मार्टफोन आप इसे कह सकते हो। डिजाइन बढ़िया सी देखने को मिल जाती है, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है, स्नैपड्रैगन 750G 5G की बढ़िया परफॉर्मेंस है, चाहे गेमिंग करो डे टू डे टास्क में काफी बढ़िया है, एक्सिनोस के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा है, एंड अच्छे खासे 5G बैंड है वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, कैमरास वगैरह भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी सही है, 5000 एमएच बैटरी, हाँ चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा, वन यूआई पे यहां पर ये रन करता है, तो 12,000 से 13,000 रुपए का बजट है, सैमसंग का एक तगड़ा 5G स्मार्टफोन परचेस करना है दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, डेफिनेटली इसकी तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील अगेन सैमसंग का फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन सैमसंग S21 FE 5G फिर से ऑफर में आ चुका है, सारे डिस्काउंट लगा के अगर आप लेते हो आपको पड़ेगा ये 34,000 रुपीस में, एंड फॉर डेट प्राइस पॉइंट बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन आप इसे कह सकते हो, बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग मिल जाती है, 120 हर्ट्ज का डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले, IP68 वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट, एक्सिनोस 2100 की डीसेंट परफॉर्मेंस मैं कहूंगा, कैमरास वगैरह ये प्राइस पॉइंट पे सबसे बेस्ट आप कह सकते हो, उसी के साथ में वन यूआई देखने को मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, बैटरी लाइफ ठीक ठाक देखने को मिलती है, तो अगर आपका 34,000-33,000 रुपीस के आसपास का बजट है सैमसंग की तरफ से एक तगड़ा फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन चाहिए डेफिनेटली इसकी तरफ देख सकते हो, काफी तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। नेक्स्ट डील यहां पर आपको देखने को मिलती है Vivo की तरफ से, Vivo T1 Pro 5G, ऐसे तो इसका 698 वाला वेरिएंट अराउंड 24,000-25,000 रुपीस में लॉन्च हुआ था, लेकिन आज की डेट में सारे ऑफर लगा के अगर आप लेते हो आपको पड़ेगा 20,000 रुपीस में, एंड फॉर डेट प्राइस पॉइंट अच्छा स्मार्टफोन है, डिजाइन बढ़िया सी टिपिकल Vivo वाला आपको देखने को मिल जाता है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक एमोलेड डिस्प्ले, हां वाटर ड्रॉप नॉच है ये चीज का ध्यान रखना, स्नैपड्रैगन 778G की बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, कैमरास वगैरह 20,000 रुपए के काफी सही है, रियर कैमरा तो आपको मिलता है, सेल्फी कैमरा वन ऑफ द बेस्ट है अंडर 20,000 रुपीस में, फ्रंट टच ओएस पे रन करता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, साथ ही में 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को डिवाइस सपोर्ट करता है, डब्बे में चार्जर मिल जाता है, तो 20,000 रुपए के आसपास का बजट है, परफॉर्मेंस कैमरा डिजाइन डिस्प्ले एंड एक ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए, डेफिनेटली Vivo T1 Pro 5G स्मार्टफोन की तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहां पर मोटोरोला की तरफ से मोटो H30, जी हां इसका भी जो बेस वेरिएंट है इंडिया में लॉन्च हुआ था 28,000 से 30,000 रुपीस में, लेकिन आज की डेट में सारे ऑफर लगा के अगर आप लेते हो आपको पड़ेगा 22,250 रुपीस में, एंड फॉर डेट प्राइस पॉइंट हाईली रिकमेंडेड है, पतला स्मार्टफोन है, लाइट वेट स्मार्टफोन है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक पीओलेड वाला डिस्प्ले मिल जाता है, सारे 5G बैंड का सपोर्ट आपको यहां पर दिया गया है, स्नैपड्रैगन 778G प्लस की बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, कैमरास वगैरह भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी तगड़े, OIS के साथ में स्टॉक एंड्रॉइड है तो नो एड्स नो ब्लोटवेयर, बैटरी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो अगर आपका 22,000 रुपए के आसपास का बजट है एक स्लिक स्टाइलिश सा स्मार्टफोन चाहिए 5G परफॉर्मेंस कैमरा स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में डेफिनेटली इसकी तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील अगेन यहां पर आपको मोटो की तरफ से मिलती है मोटो G72 4G स्मार्टफोन पे, जिसका 628 वाला वेरिएंट इंडिया में 19,000 रुपए का कुछ लॉन्च हुआ था, लेकिन ऑफर में आप सारे ऑफर लगा के लेते हो आपको पड़ेगा अराउंड 14,250 रुपीस में, एंड फॉर डेट प्राइस पॉइंट अमेजिंग 4G स्मार्टफोन में यहां पर कहूंगा डिजाइन बढ़िया है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक पीओलेड डिस्प्ले मिल जाता है, हीलियो G99 की बढ़िया परफॉर्मेंस है, 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल आर कैमरे का सेटअप मिल जाता है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा काफी सही है, स्टॉक एंड्रॉइड है तो नो एड्स नो ब्लोटवेयर, साथ ही में 5000 एमएच बैटरी, 33 वॉट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स यहां पर दिया गया है, तो अगर आपका 14,000 रुपए के आसपास का बजट है आपको 5G से इतना लेना देना नहीं है, बेस्ट 4G स्मार्टफोन चाहिए 14,000 रुपए की रेट में, अच्छा ऑलराउंडर एंड स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में G72 4G स्मार्टफोन की तरफ आप देख सकते हो। तो गाइस ये ओवरऑल 10 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन डील मुझे लगी थी फ्लिपकार्ट की अर्ली सेल में से, मैं सोचा डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर करना तो बनता है। अभी अगर आपको परचेस करना है कोई डील है जैसे कि रियलमी 9 प्रो प्लस वगैरह हो गया, बाद में चल के शायद इसका प्राइस पॉइंट बढ़ जाए या आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो अगर आपको पसंद है तो ये सेल में से आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको इतनी घाई नहीं है इमरजेंसी नहीं है तो डेफिनेटली आप 14 जनवरी जो रिपब्लिक डे सेल एक्चुअल वाला जब स्टार्ट होगा उसका भी आप वेट कर सकते हो। वैसे कैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये सारी डील्स आपको कैसे लगी, कि आपने इसमें से ऑलरेडी कोई डील को ग्रैब कर चुके हो, वीडियो देखने के बाद करने वाली हो, डील को लेके कुछ क्वेश्चन है कुछ क्वेरीज है मुझे पूछ लेना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको पसंद आई होगी, एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ना मिलता आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।